ब्रो, मुझे अपने लव हैंडल हटाना है। स्पॉट डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ब्रो, मेरा दोस्त सैंकी कह रहा था कि अगर मैं फैट बर्निंग सप्लीमेंट लूँ तो मेरा फैट ऐसे गायब हो जाएगा। सैंकी? अरे सैंकी, मेरा जिम ब्रो, 50 ग्राम प्रोटीन वाली बात कुछ याद आया? अरे कल मैं जिम गया था तो वहाँ पर दो लोग बात कर रहे थे, तो एक ने दूसरे से कहा, ब्रो जिम से आने के 10 मिनट बाद ही तुझे 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए वरना मसल्स ही बनती। हाँ भाई, कुछ गलत कहा मैंने क्या? नहीं, अब भाई प्रोटीन सप्लीमेंट से बॉडी बनती है तो फैट बर्निंग सप्लीमेंट से फैट नहीं घटेगा तो क्या घटेगा? इतना बड़ा मार्केट जो बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। चलो फिर आज की वीडियो में यही जानते हैं, डस फैट बर्निंग सप्लीमेंट रियली वर्क? लेट्स फाइंड आउट। चलिए पहले बात करते हैं ये फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। फैट बर्नर्स डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनके मैन्युफैक्चरर्स ये क्लेम करते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आपको फैट लॉस और एक स्कल्प्टेड फिजिक पाने में आपकी हेल्प करते हैं। बट डू फैट बर्नर सप्लीमेंट्स रियली वर्क? आंसर, मे बी। पर इन सप्लीमेंट्स को आप किसी मैजिक पिल से कन्फ्यूज़ ना करें कि एक पिल लेते ही आपका फैट एकदम से छूमंतर हो जाएगा, बल्कि जैसा आप सोचते हैं इसके विपरीत, फैट बर्नर सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में काफ़ी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं ताकि आप वेट लॉस कर सकें। इन थ्योरी फैट बर्नर सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है ताकि आप ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कर सकें, और साथ ही साथ ये आपकी एपेटाइट को भी सप्रेस करती है ताकि आप ओवरऑल कम कैलोरीज को कंज्यूम करें। इन सप्लीमेंट्स में मौजूद हर्बल कॉम्पोनेंट्स स्मॉल डोजेस में आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसे काफ़ी कॉम्पोनेंट्स भी मौजूद होते हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च नहीं होती है। और क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री USFDA द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है, इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी क्लेम करते हैं, चाहे ये क्लेम ट्रू हो या ना हो। और इन सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स की डोसेज में किसी भी तरह की रेगुलेशन ना होने की वजह से इनकी इफेक्टिवनेस और इनकी हेल्दी कंसम्पशन के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है। सो अब बात करते हैं उन साइंटिफिक बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो इन सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कैफीन। कैफीन आपकी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे आप कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कैफीन कंजम्पशन से आपके मेटाबॉलिक रेट में 11% का इजाफा होता है, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल मेंटेन डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू लूज फैट वेरी ईजली। बट टू मच कैफीन कंजम्पशन से इंसोम्निया, नर्वसनेस और एलिवेटेड हार्ट रेट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। काफ़ी फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में मौजूद कैटेकिन कैफीन की तरह आपकी बॉडी की थर्मोजेनेसिस और मेटाबॉलिज्म रेट को इन्हेंस करता है, बट टू मच कंजप्शन ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैन लीड टू लिवर डैमेज। थर्ड इन्ग्रीडियंट है सॉल्युबल फाइबर। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। फाइबर फैट बर्न को इंक्रीज ना करके आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। सॉल्युबल फाइबर आपके गट में वाटर के साथ मिक्स होकर एक काइंड ऑफ जेल फॉर्म करता है। इससे आपकी बॉडी में GLP-1 हार्मोन इंक्रीज होता है जिससे आप फुल महसूस करते हैं, और साथ ही साथ हंगर हार्मोन ग्रेलिन भी सप्रेस होता है। 2010 की स्टडी में बात सामने आई कि नेचुरल सॉल्युबल फाइबर को अपनी डाइट में इंक्रीज करने से आप लेस कैलोरीज और फैट को कंज्यूम करते हैं जिससे आप एक्सेस फैट को बर्न कर पाते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है योहिम्बियन। योहिम्बियन सेंट्रल अफ्रीकन योहिम्बे ट्री के छाल से डिराइव किया जाता है। योहिम्बियन कॉमनली एज एफ्रोडीजिया यूज़ किया जाता है, पर साथ ही साथ इसमें फैट बर्निंग पोटेंशियल होने की वजह से काफ़ी फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। योहिम्बियन आपकी बॉडी के α2 एंड्रोजन रिसेप्टर, जिसमें नॉर्मली एड्रेनलिन बाइंड होता है, उसे ब्लॉक करता है। इससे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन लॉन्गर टाइम तक स्टे करता है और आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैट को लॉन्गर टाइम तक बर्न करती है। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कम स्टडीज़ और साथ ही साथ इसके हाई डोसेस को लेने से किडनी प्रॉब्लम्स और लिवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होने की वजह से इसके कंजप्शन को टोटली सेफ कहना सही नहीं रहेगा। और सिर्फ ये इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स की हाई डोसेस आपके लिए फेटल साबित हो सकती है।
एंड FDA रेगुलेटेड ना होने की वजह से इन सप्लीमेंट्स में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की अननोन डोसेस को कंज्यूम करके आप अपने रिजल्ट्स को अचीव करने की जगह अनडिजायर्ड सर्कमस्टेंसेस को दावत दे सकते हैं। पर अगर आप इन सप्लीमेंट्स को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स में मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपके ऑलरेडी गोइंग मेडिकेशन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सप्लीमेंट्स के बिना वेट लॉस करना चाहते हैं देन ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल मेथड, जैसे ईट एट कैलोरी डेफिसिट, बर्न मोर कैलोरीज देन यू ईट, ड्रिंक कॉफ़ी और ग्रीन टी इन मॉडरेट अमाउंट एंड ईट ए हाई प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन को बर्न करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को यूज़ करती है, जिस वजह से ये आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी में सटाइटी लॉन्गर टाइम तक बनी रहती है, जिससे इवेंचुअली आप थ्रू आउट द डे लेस कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। सो इस वीडियो का टेक अवे है कि आप फैट लॉस सप्लीमेंट जैसे क्विक फिक्सेस की तरफ अपने टाइम और मनी को वेस्ट ना करके हेल्दी और सस्टेनेबल वे के साथ अपने वेट लॉस जर्नी के लिए एम करें। थैंक्स ब्रो मेरे पैसे और टाइम दोनों बचाने के लिए। अरे यही तो बोल रहा था मैं भी, हटी सभी ख़राब है, कंट्रोल में सब चलता है। नाइस ब्रो, सही है सही है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब यो ब्रो, सब्सक्राइब माई ब्रो चैनल भाई अपना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।